अनुपमा में आगे दिखाई जाएगा। अनुपमा श्रुति से कहेगी कि मैं अनुज का कल थी और आप उसका आज है। अनुपमा कहेगी कि आपको अपनी कहानी को मेरे चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा जब दिखेगी कि श्रुति बहुत डरी हुई है और अपने रिश्ते को लेकर बहुत परेशान है तो अनुज से एक वादा करेगी। अनुपमा श्रुति से वादा करेगी कि कुछ भी हो जाए वो अपना फैसला अब नहीं बदलेगी। अनुपमा वादा करेगी कि वो अनुज की ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी, लेकिन अनुज तो कुछ और ही सोच कर बैठा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कहीं वादा अनुपमा के लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी कर दे। अनुज कापड़िया को अपनी कंपनी में किसी तरह के कपले का पता चलेगा और जड़ तक पहुंचने पर पता चलेगा कि इसके पीछे परितोष शाह है। हालांकि तोसु अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगा और तब अनुज उसे गुंडों से बचाएगा। अनुज कापड़िया तोसु को सही रास्ते पर चलने की सलाह देगा और साथ ही उसकी हालत देखकर उसे अपनी कंपनी में काम ऑफर करेगा। जाते जाते जब तोसु अनुज को अनुपमा से दूर रहने की सलाह देगा तो अनुज भड़क जाएगा, लेकिन साथ ही अब उसके मन में वहम भी आ चुका है। कहीं ना कहीं अनुज कापड़िया को लगने लगा है कि अनुपमा धीरे धीरे यशदीप के करीब आने लगी है, इसलिए वो वापस उसकी ज़िंदगी में नहीं लौट रही है। उधर शाह निवास में बाबा बापूजी शादी को लेकर डिंपल से उसकी मर्जी पूछेंगे तो वो बताएगी कि वो भी टीटू को पसंद करती है। यह बात सुनकर पाकि का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा और वो उससे लड़ पड़ेगी क्योंकि पाकि वक्त के साथ तपीस को पसंद करने लगी है। पाकि अपनी भाभी को धमकाएगी कि उसके रास्ते में आने की कोशिश ना कर।